नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज, मैं आपके साथ ज्योति। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपना पेट पालने वाली रानू मंडल ने बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त पहचान बना ली है। वहीं लता मंगेशकर का रानू मंडल पर दिया बयान सोशल मीडिया पर काफी लोगों को निराश कर दिया है। इस बयान का विरोध करते हुए लोगों ने ट्वीट किया है। इनमें से एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मैं लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन उनकी इस प्रतिक्रिया ने ये जाहिर कर दिया कि बड़े लोग छोटे लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने लता मंगेशकर के बयान पर नाराजगी जताते हुए लिखा, एक गरीब महिला अपना जीवन बिताने के लिए रेलवे स्टेशन पर गाना गाती है। रानू मंडल की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा और वो सुपरस्टार बन गई। लता जी थोड़ी और दयालु हो सकती थी, उनकी सराहना उनकी मदद कर सकती थी। नकल पर उनका ये व्याख्यान टालने योग्य है। इन सब के अलावा एक अन्य यूजर ने लता मंगेशकर के बयान पर कहा, उस गरीब महिला के लिए कोई सराहना नहीं है जो अपना पेट पालने के लिए गाना गाती थी। लता जी, इस उम्र में आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहीं रानू मंडल की बेटी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। यूजर्स का कहना है कि जब उनकी माँ भीख मांगती थी तब उनकी बेटी एलिजाबेथ ने अपनी माँ को नहीं पूछा। अब रानू स्टार बन गई हैं तो वो अपनी माँ के पास आ गईं। एलिजाबेथ ने ट्रोलर्स को सफाई देते हुए इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ रेलवे स्टेशन पर गाना गाती हैं, क्योंकि मैं उनके पास ज़्यादा नहीं जा पाती थी। मैं तलाकशुदा हूँ और सूरी में एक परचून की दुकान चलाती हूँ। मैंने अपनी माँ को बहुत बार हमारे साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बावजूद लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ हैं, अब मैं किसके पास जाऊँ। साथ ही रानू की बेटी एलिजाबेथ ने इतेंद्र चक्रवर्ती पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वो मेरी माँ के साथ ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे उनके सगे बेटे हों। वो मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। अब रानू की तो किस्मत बदल गई। इसलिए कहते हैं, अगर आपके अंदर जो हुनर है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब बनाने से नहीं रोक सकती। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।